केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों पर बनाए गए कानून का विरोध जारी है। इसको लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जिला प्रधान धर्मवीर मलिक ने कहा कि इस कानून की वजह से सभी ड्राइवर गाड़ियां चलाने से मना कर रहे हैं। अगर इस तरह से सरकार ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगी तो वह अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये केवल ड्राइवर पर ही नहीं प्रत्येक वाहन चालकों पर लागू हुआ है, चाहे वो मोटरसाइकिल से हो, कार से हो या फिर अन्य किसी वाहन से हो। ये कानून सरकार ने सभी चालकों पर लागू किया है। मलिक ने कहा कि अगर सरकार इन काले कानून को वापस नहीं लेती है तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इस लड़ाई में सभी ड्राइवरों के साथ खड़ी है और न्याय के लिए हरदम साथ खड़ी रहेगी। इनके बारे में हमारा ये कहना है कि पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। ट्रक ड्राइवर गाड़ियां छोड़ छोड़ के भागने लग रहे हैं, सब चाबी दे रहे हैं। अब एक बताओ बात, एक ड्राइवर की 10 साल की सजा एक्सीडेंट होने पर है। अगर वो बंदे को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए तो क्या उस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए वो ड्राइवर नीचे उतर के नए, चाहे वो कार का ड्राइवर है चाहे कोई भी, उसको उठाएगा, पब्लिक मार देती है उसको, कई बार तो बिल्कुल जान से मार देती है। ऐसी परिस्थिति में ये होता है ड्राइवर दाएं बाएं हो जाता है। और कई बार हमने देखा ट्रक एक्सीडेंट कर देता है, एक्सीडेंट करने के बाद सीधा थाने में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पब्लिक ऐसा होता है मोब हो जाती है, वहाँ गाड़ी में आग तक भी लगा देते हैं। तो ये ऐसे घिनौने गंदे कानून लगा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से देंगे। एक्सीडेंट होता है, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, इसमें तो करोड़ों रुपए क्लेम के पड़ते हैं। और वही एक्सीडेंट अगर ट्रेन में हो जाता है और जहाज में हो जाता है, वहाँ 5-5 लाख रुपए। कहीं गलती से एक दिन ड्राइविंग लाइसेंस हमारा रिन्यू होने के बगैर रह गया तो और उस दौरान एक्सीडेंट हो जाए तो क्लेम सारा मोटर मालिक पे पड़ता है, वो मोटर मालिक में होता है उस क्लेम को। क्यों, क्या 10 साल से वो गाड़ी 20 साल से गाड़ी चला रहे हो और लाइसेंस रिन्यू का ठप्पा लग गया तो क्या ड्राइविंग गाड़ी चलाने लग गया, गलत गाड़ी चलाता है। कानून ये चेंज करने थे, ये तो चेंज किए नहीं। वहाँ जाके 10 लाख 10-10 साल की सजा और 5-5 लाख 10-10 लाख रुपये जुर्माने के ऊपर पहुँच गए। दूसरा, एक गाड़ी की पासिंग एक दिन लेट हो जाए, वो गाड़ी चल के आ रही, एक दिन पासिंग लेट होगी यहाँ आके, उस रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, वो क्लेम एबल होगी। तो छोटे छोटे ये कानून जो ठीक करने थी, खामियां थी हमारे में मोटर व्हीकल एक्ट में, ये हमारे सुधारे नहीं। पुलिस है, पुलिस ने बुरा हाल बना रखा, आरटीओ ने बुरा हाल बना रखा। गाड़ी होती है हमारी यूपी में, चलान हो रहा है जयपुर में, गाड़ी होती है हमारी बम्बे में, चलान हो रहा है अहमदाबाद में, ऑनलाइन चलान करके भेज देते हैं और कोई सुनने वाला नहीं। ये कानून ठीक करने की जरूरत थी, ये कानून हमारे ठीक नहीं किए उन्होंने, ये कानून बना दिए उल्टे की ड्राइवर की 10 साल की सजा और क्या नाम है 5 लाख रुपये जुर्माना। तो हम सरकार से अनुरोध भी कराते हैं और चेताते भी हैं, दोनों काम हम सरकार को कह रहे हैं, या तो सरकार होश में आए, इन कानूनों को वापस ले लो, नहीं तो जैसे कृषि के 3 कानून बनाए थे नहीं गलत, इसी तरीके से हमारे ये कानून भी ट्रांसपोर्टरों के बिल्कुल गलत हैं। और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर सारे के सारे एकजुट हैं और सभी ड्राइवर भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे टाइम में ड्राइवर भाई भी ये नहीं समझे